हेलो वन, वेलकम टू बॉलीवुड ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। झूठ, फरेब, साजिश और मनगढ़ंत कहानियां आजकल सोशल मीडिया पर बस यही देखने को मिलता है। पल भर में देखते ही देखते झूठ सच का रूप तो ले लेता है और वायरल हो जाता है और फिर फैलती है फेक न्यूज। लेकिन अब फेक न्यूज की फैक्ट्री पर ताला लगाने के लिए आ गए हैं हम। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि आज की फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज की फेहरिस्त में जुड़ा एक और नाम, झूठी खबर फैलाकर किया गया अंकिता लोखंडे को बदनाम। क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बिग बॉस में होगा टशन, झूठी खबरों का किया अंकिता लोखंडे ने खंडन। मैं भी अपने आप को जानना चाहती कि मैं क्या धमाका करने वाली हूँ। झूठी खबर फैलाई तो अंकिता ने क्लास लगाई। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सच के नाम पर झूठ की बिक्री आजकल धड़ल्ले से हो रही है। फेक न्यूज के फरेबी नकाब पहनकर आते हैं और एक नई झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़कर चले जाते हैं। पर अब आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल में फंसे आपके दिल की हर परेशानी का हल हमने निकाला है और इसलिए हम रोज एक नई फेक न्यूज का भंडाफोड़ करते हैं। आज की फेक न्यूज का शिकार हुई है अंकिता लोखंडे। ये वो नाम है जिसे आपने कम से कम 2020 में तो खूब सुना होगा। अंकिता लोखंडे टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ अब फिल्मों में भी काम करती हैं और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। शायद यही वजह है कि अब अंकिता के नाम पर फेक न्यूज फैलाने वाले लोग लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अंकिता से जुड़ी फेक न्यूज क्या है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई कि अंकिता लोखंडे जल्द ही बिग बॉस में एंट्री करने वाली हैं। बिग बॉस के 15वें सीजन में अंकिता लोखंडे नजर आएंगी। अंकिता ही क्यों, खबर तो ये भी आई थी कि उनके अलावा रिया चक्रवर्ती भी शो का हिस्सा होंगी। हालांकि रिया वाकई शो में जाएंगी या नहीं, इस पर कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। पर हाँ, अंकिता के बिग बॉस में जाने की खबर का सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। अंकिता के बिग बॉस में जाने की खबर दरअसल झूठी निकली। बॉलीवुड ब्रेकिंग की टीम ने जब जांच पड़ताल की और पता लगाया कि क्या वाकई अंकिता सलमान खान के शो के 15वें सीजन का हिस्सा होंगी, तो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये खबर अफवाह है। अब तो अंकिता लोखंडे ने भी इस खबर को फेक न्यूज बता दिया है। अंकिता ने खुद सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि उनके नाम पर जो खबरें उड़ाई जा रही हैं, असल में वो एक फर्जीवाड़ा है। मुझे पता चला है कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी। मैं यहां पर सभी को ये बात बताना चाहती हूं कि मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनने जा रही हूं। मेरे पार्टिसिपेशन की खबरें निराधार हैं। लोग बहुत जल्दी ही ऐसी चीजों के लिए भला बुरा कहने लगते हैं जिनका मैं हिस्सा भी नहीं रहती। मतलब अफवाहों के आसमान में रहने वालों की बोलती अब अंकिता ने खुद बंद कर दी है और जो लोग अंकिता के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे उन्हें भी अब करारा जवाब मिल चुका है। बिना ये सच जाने कि अंकिता वाकई में बिग बॉस के घर में जा भी रही हैं या नहीं, ट्रोलर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अंकिता पर आरोप लगने लगे कि वो सुशांत के साथ अपने रिश्ते को इनकैश करना चाहती हैं। लेकिन अब ये खबरें एकदम गलत हैं। इसकी जानकारी और गारंटी न सिर्फ हम दे रहे हैं बल्कि अंकिता भी खुद आपको दे चुकी हैं। वैसे हमारी तो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री दोनों से ही यही गुजारिश है कि अगर उनसे जुड़ी कोई भी खबर गलत है तो वो हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। और सिर्फ टीवी और बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों, आप भी अगर जानते हैं कि कोई खबर गलत है और आपके पास इसका सबूत है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है,
यानी mynews@zmedia.slgroup.com पर आप ऐसी खबरें हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की फेक न्यूज, लेकिन अगर आपको भी है बॉलीवुड के किसी भी स्टार से जुड़ी फेक न्यूज की जानकारी, या फिर बॉलीवुड में रहकर आप भी हुए हैं किसी फेक न्यूज का शिकार, तो कीजिए हमसे शेयर mynews@zmedia.slgroup.com पर। फिर हम करेंगे उस खबर की पूरी जांच पड़ताल और लाएंगे झूठ के पीछे की बिहाइंड द स्टोरी। प्रेजेंटिंग Zee News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।